हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। एमएस वर्ड एक कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, किसका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे इसमें हम टाइपिंग रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, बुक बना सकते हैं, लेटर, एप्लीकेशन, फोटो एडिटिंग, विजिटिंग कार्ड एंड बुक रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो हमारे एमएस वर्ड में होते हैं। या फिर हम सीधे सीधे कह सकते हैं, जितना भी टेक्स्ट एडिटिंग रिलेटेड प्रोसेस होता है वो हम एमएस वर्ड में ही करते हैं। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड का बेसिक। यहाँ पर दे रखा है रूलर। यहाँ दो रूलर होते हैं, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल रूलर और ये होता है एक वर्टिकल रूलर, मीन्स पैमाना। तो इस रूलर पे तीन इंडेंट दिए रहते हैं। ये आपका है लेफ्ट इंडेंट, यहाँ पे आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट और यहाँ पर है आपका राइट इंडेंट। ठीक है, इसको रखिएगा तो आपको नाम दिखेगा, ये आपका है राइट इंडेंट। एमएस वर्ड पे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए रैंडम वर्ड कैसे लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल आर ए एन डी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके बाय डिफॉल्ट थ्री पैराग्राफ प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि आपको कम या ज्यादा पैराग्राफ लेना है, जस्ट सपोर्ट इसको हम करते हैं सेलेक्ट ऑल और डिलीट। और जैसे आपको सिर्फ एक पैराग्राफ लेना है, आप इक्वल टू आर ए एन डी लिखिए और ब्रैकेट के बीच में आपको लिखना है वन एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे देखिए आपके एक पैराग्राफ रह गए। तो आपको जितना भी पैराग्राफ चाहिए यहाँ पे उसकी नंबरिंग डाल के आप उस पैराग्राफ को प्रैक्टिस के लिए इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बताया तीन इंडेंट होते हैं, तो यहाँ पे इंडेंट का क्या यूज है? यहाँ पे हम एक पैराग्राफ को इसको हम सेलेक्ट करते हैं और आपके पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन का आपको सिर्फ पोजीशन सेट करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। इसको हम मूव करेंगे तो पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन इंडेंट ये मूव होगा और आपकी फर्स्ट लाइन की जो स्पेस है वो भी आपका इस तरह से बढ़ जाएगा। और बाकी यानी फर्स्ट लाइन को छोड़ के नीचे के लाइन की आपको फॉर्मेटिंग करनी है, तो इसके लिए आपको दिया है लेफ्ट इंडेंट। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग पोजीशंस है फर्स्ट लाइन का वो आपका ये डिसाइड करता है पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन का, और बाकी के लाइन का स्टार्टिंग पोजीशंस आपका लेफ्ट इंडेंट डिसाइड करता है। तो यहाँ से ये मूव कीजिएगा, आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट ऑटोमेटिक मूव होने लगता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप पहले लेफ्ट इंडेंट की सेटिंग करने के बाद ही फर्स्ट लाइन इंडेंट की सेटिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे हम जैसे देखिए इसको हम मूव कर रहे हैं तो हमारे बाकी के लाइन भी आपसे इस तरह से मूव हो जा रही है। देखिए हम इस तरह से कर रहे हैं और हम फर्स्ट लाइन इंडेंट की सेटिंग यहाँ से कर देते हैं। तो ये आपके लेफ्ट साइड के पोजीशन को डिसाइड करता है कि आपका जो वर्ड है या पैराग्राफ का जो लाइनिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो। इसके बाद ये इसका एंडिंग पोजीशन डिसाइड करता है कि जो भी हम वर्ड लिखे वो कहाँ पर समाप्त हो, कहाँ पर एंड हो, इस तरीके से। तो इस एंडिंग को आप जहां रखिएगा वहीं पे आपका वर्ड एंड होगा। तो इस तरह से हम इस हॉरिजॉन्टल रूलर की सेटिंग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं वर्टिकल रूलर की। तो जैसे ये क्या करता है, आपके लेफ्ट और राइट साइड के जो भी आपके मार्जिन है इसको डिसाइड करता है। इसी तरीके से कि आपका ये जो वर्टिकल रूलर है ये आपका टॉप और बॉटम का जो मार्जिन है वो डिसाइड कर सकता है, या फिर कह सकते हैं इसका पोजिशन डिसाइड करता है। तो ऊपर जैसे अगर आपको हेडर छोड़ना है, हेडर के लिए आपको हेडिंग वगैरह डालना है या पेज नंबर इस तरह से डेट वगैरह डालना है तो ऊपर का एरिया हम छोड़ देते हैं। यदि आप नहीं छोड़ना चाहते हो, पेज पूरा लेना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको ऊपर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका स्पेस इतना ही छूटा है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसके स्पेस को ऊपर नीचे इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे टैब के बारे में। यहाँ हम सेलेक्ट ऑल करते हैं और यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अगर हम टैब के बारे में बात करें तो यहाँ पर फाइव टाइप के टैब होते हैं। यहाँ पे देखिए लेफ्ट टैब दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिएगा, ये आपका सेंटर टैब दिख रहा है। यहाँ पे कुछ टाइम तक पॉइंटर रखे रहेगा तो आपको नाम दिखने लगेगा। इसके बाद यहाँ पे है ये आपका राइट टैब है, यहाँ पे हम माउस को छोड़ देते हैं, यहाँ देखिए दिख रहा है। इसके बाद ये है डेसिमल टैब, यहाँ पे हम इसको इस तरह से छोड़ देते हैं।
यहाँ पे है आपका बार टैब। तो फाइव टाइप के टैब होते हैं, कौन कौन से? लेफ्ट टैब, राइट टैब, डेसिमल टैब, सेंटर टैब एंड बार टैब। तो चलिए हम इसका यूज देखते हैं। तो पहला टैब यहाँ पे देखिए लेफ्ट टैब दिया है। ये क्या करता है, ये किसी भी वर्ड को लेफ्ट साइड से सीधा रखता है और टैब बटन के नीचे ही कर्सर का पोजीशन सेट करता है। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ एक लेफ्ट लगा लिया, एक यहाँ पे मैंने लेफ्ट लगा लिया। ये आपको किसके साथ काम करेगा, ये आपके कीबोर्ड पर दिए गए टैब बटन के साथ वर्क करेगा। तो हमने जैसे ही टैब बटन प्रेस किया, ये देखिएगा इसके नीचे आपका कर्सर आ गया है। अब कोई भी चीजें आप लिखोगे तो ये आपका लेफ्ट से लेकर राइट की ओर मूव होगा। टैब प्रेस किया, सेकंड टैब के नीचे आ गया, कुछ भी लिखिएगा आप तो ये आपका लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेगा। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ये आपका राइट टैब है, यहाँ पे मैंने राइट टैब लगा दिया, यहाँ क्लिक कर दिया और एक हमने यहाँ क्लिक कर दिया इस तरीके से। अब हम टैब बटन प्रेस कर रहे हैं, ये देखिए इस पोजिशन के नीचे आ गया। कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर यूज हो रहा है। जैसे आप उर्दू लिखते हैं राइट से लेफ्ट की ओर। यहाँ दोबारा से प्रेस कर रहे हैं, देखिए दोबारा से इस पोजीशन के नीचे आ गया और हम जब भी प्रेस कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं तो वो आपका राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है। इंटर टैब 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 इंटर टैब 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 टैब। तो इस तरह से मैंने दोनों में कंपैरिजन करके बताया और लेफ्ट एंड राइट टैब के बारे में। इस टैब को आपको डिलीट करना है तो आप इस पर जब डबल क्लिक कीजिएगा इस तरह के विंडोज खुल जाएंगे और आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लियर ऑल कर दीजिएगा तो जितने भी आपके टैब लगे रहेंगे वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सेलेक्ट ऑल एंड डिलीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टैब की तरफ। ये देखिए आपका दिया है डेसिमल टैब। डेसिमल टैब यदि हम किसी चीज से लगा देते हैं, मीन्स अपने रूलर पे अप्लाई कर देते हैं, तो जब भी हम डेसिमल को प्रेस करते हैं ना, तो इसी के पोजीशन के नीचे ही हमारा डेसिमल रहता है। देखिए हमने प्रेस किया टैब बटन और कोई भी नंबर लिख लिया, जब भी हम डेसिमल को प्रेस करेंगे तो ये आपका इसी पोजीशन के नीचे, यानी इस टैब के नीचे इसका कर्सर रहता है, यहाँ पे इसका पॉइंट रहता है। इंटर टैब, यहाँ देखिए मैंने कोई भी नंबर लिख लिया, जब भी हम डेसिमल डालेंगे तो ये आपका इसी पोजीशन के नीचे ये सेट रहता है। तो ये होता है आपका डेसिमल टैब। सेलेक्ट ऑल डिलीट। यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं बार टैब। बार टैब किसी भी चीजों को डिवाइड करने के लिए हम बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं, वो ही होता है हमारा बार टैब। जैसे यहाँ पे हमको डिवाइड करना है, यहाँ पे हमने एक बार क्लिक कर दिया और मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक कर दिया, दो लाइनिंग आ गई। और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं लेफ्ट या राइट टैब को भी। यहाँ पे हमने लेफ्ट टैब यूज करा है, यहाँ पे ऐसे इस तरह से कर दिया। टैब बटन प्रेस किया, कुछ भी लिखिए, टैब टैब इंटर प्रेस कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपकी लाइन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंटर टैब 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 इंटर टैब 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 इंटर टैब टैब। सपोज कि आपका यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे वो आपका एंड हो चुका है, अब आपको पैराग्राफ कंटिन्यू करना है, बस नीचे डबल आपको डबल क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हो, ये आपकी लाइनिंग अब नहीं आएगी। तो इस तरह से आप बार टैब का यूज कर सकते हो। एंड लास्ट टैब बचा था यहाँ कंट्रोल ए टेले, एक यहाँ पे आपका बचा हुआ था सेंटर टैब, इसके पीछे रह गया, ये आपका है सेंटर टैब। सेंटर टैब क्या करता है, अपने कर्सर के पोजीशन के नीचे जो भी आप वर्ड लिखे रहोगे वो आपको लेफ्ट और राइट साइड से बराबर रखता है। जो सपोज कि यदि मैंने यहाँ पे 21 वर्ड लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो भी 11 वर्ड रहेगा वो आपके इस टैब के नीचे रहेगा, 11 वर्ड एंड 10 वर्ड इधर रहेंगे, 10 वर्ड इधर रहेंगे, मतलब लेफ्ट और राइट साइड से वर्ड को बराबर रखने के लिए यूज होता है। ये बहुत कम ही यूज होता है, तो इस से हम इसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये ऊपर जो दिख रहा है ना पट्टी, इसको बोला जाता है टाइटल बार, जिसमें हमें जिस भी नेम से हमने इस डॉक्यूमेंट को सेव करा है उसका नाम दिखता है। ठीक है, और हाँ इस
डॉक्यूमेंट जो हमारे एमएस वर्ड पे पेज है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट पेज। जब दो या दो से अधिक पेज मिल जाता है तो वो फाइल बन जाता है, उसे बोला जाता है डॉक्यूमेंट फाइल। यदि पूछा जाए कि आपको एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .docx होता है। ठीक है, .docx ये आपका एक्सटेंशन नेम होता है। अगर रन नेम पूछा जाए एमएस वर्ड का तो वो क्या होता है? वो होता है आपका विन वर्ड। ठीक है, तो ये आपका हो गया एमएस वर्ड के बारे में। आपको ये नॉलेज कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और कंटिन्यू रखिएगा एमएस वर्ड के। इसी तरह एक एक टॉपिक करते हुए हम एमएस वर्ड को क्लियर कर लेंगे। तो फिर हम मिलते हैं आगे की वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।